नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। यूपी की योगी सरकार ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों के सम्मान को याद करते हुए एक नया फैसला सुनाया है। पूर्वांचल के 4 जिलों गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर और चंदौली की सड़कों के नाम को शहीदों के नाम से नामकरण का आदेश जारी किया गया है। गाजीपुर की पारा कासिमाबाद सड़क का नाम शहीद शशांक कुमार सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसी तरह वाराणसी के मिल्कोपुर के रहने वाले शहीद रमेश यादव के नाम पर मिल्कोपुर उमराहा मार्ग का नाम पड़ेगा। जौनपुर की जमुहाई सड़क का नामकरण शहीद राजेश कुमार सिंह के नाम पर होगा। चंदौली के भुपौली मार्ग का नामकरण शहीद अवधेश यादव के नाम पर होगा। दिलदार नगर विद्युत उपकेंद्र के स्विच यार्ड में आग लगने से 50 से अधिक गांवों की बिजली सप्लाई 100 घंटे से अधिक समय से ठप पड़ी हुई है। यहां सुल्तानपुर और मऊ से 10-10 MVA के 2 ट्रांसफार्मर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक सप्लाई चालू नहीं हुई। अवर अभियंता तापस कुमार ने बताया कि एक ट्रांसफार्मर स्विच यार्ड में लग गया है। ट्रांसफार्मर को गर्म कर सोमवार को बिजली सप्लाई चालू कर दी जाएगी। गाजीपुर की लाइफलाइन समझे जाने वाले हमीद सेतु के जल्द खुलने की उम्मीद जगी है। दरअसल इस पुल के मरम्मत के काम में तेजी आ गई है। इंजीनियरों ने 2 और जर्जर रोलर बेयरिंग को सफलतापूर्वक रिप्लेस कर दिया है। हमीद सेतु बंद होने से गाजीपुर के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओवरलोड वाहनों की वजह से ही आज पुल इस हालत में पहुंचा है। एक बार ठीक होने पर ओवरलोड वाहन फिर खतरा बन सकते हैं। संघर्षपूर्ण मुकाबले के बीच रविवार को गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया। विनोद कुमार पांडे ने 49 मत पाकर अध्यक्ष पद पर अपना परचम लहराया, जबकि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सूर्यवीर सिंह को 24 मत पाकर हार का मुंह देखना पड़ा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवेश उर्फ पंकज पांडे ने 57 मत पाकर विजय हासिल की, जबकि कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक सिंह 53 मत पाकर जीते। महामंत्री पद पर चंद्रमोहन तिवारी ने 31 मत पाकर विजय का परचम लहराया। सह सचिव पद पर शिव प्रताप तिवारी और कोषाध्यक्ष पद पर इंद्रासन यादव पहले निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य और SP डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने रविवार को जिला जेल का निरीक्षण किया। DM ने कोरोना को देखते हुए कैदियों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने जेल प्रशासन को कहा है कि जेल के भीतर सैनिटाइजेशन के काम को ठीक से करना होगा। इसके अलावा कैदियों को भी मास्क देने का निर्देश दिया है। इस निरीक्षण के दौरान SDM कासिमाबाद रमेश मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी जखनिया सूरज यादव, अपर पुलिस अधीक्षक शहर गोपीनाथ सोनी, क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला, जेल अधीक्षक और दूसरे अधिकारी उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।